वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है तेजादशमी और तेजादशमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं जानती हूँ अगर आप मध्य प्रदेश से नहीं है और स्पेशली मालवा से नहीं है तो आपको समझ में नहीं आएगा कि तेजादशमी क्यों मनाते हैं। तेजादशमी तेजाजी महाराज के लिए मनाई जाती है। मैंने आपको वीडियो में शुरू में दिखाए वो छतरी लेके लोग जा रहे थे, वो तेजाजी महाराज के मंदिर पे ही जा रहे थे और उसे निशान कहते हैं। तेजाजी महाराज की मन्नत करते हैं लोग जिन्हें सांप काट लेता, जिस किसी को भी सांप काट लेता है तो उसे तेजाजी महाराज के नाम का धागा बांध देते हैं हाथ में, तो सांप के जहर का असर उसके शरीर पे नहीं होता। और तेजादशमी मतलब आज के दिन लोग वो मन्नत उतारने के लिए ये निशान लेके जाते हैं और वहाँ जाकर वो धागा खोलते हैं। और तेजाजी महाराज को बहुत वीर माना गया है, वो मतलब वीर थे और सत्यवादी थे इसलिए उनकी पूजा की जाती है। और आज के दिन हमारे वहाँ हर साल बहुत बड़ा मेला लगता था और बहुत मज़े आते थे, लेकिन कोरोना की वजह से वो मेला भी नहीं लगा। और हाँ, और मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों ही प्लेसेस पे तेजादशमी मनाई जाती है। तो इतनी जानकारी, जितनी जानकारी मुझे थी इस बारे में उतना मैंने आप लोगों को बताया, बाकी आप गूगल से सर्च कर सकते हैं तेजाजी महाराज के बारे में। और इस बार तो मैं आप लोगों को मेला नहीं दिखा पाई क्योंकि मेला लगा ही नहीं हमारे वहाँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब ये COVID-19 ख़त्म हो जाएगा ना, और ऑफकोर्स ये ख़त्म होगा ही क्योंकि भगवान की कृपा है हम लोगों पे अभी भी, तो जैसे ही ये ख़त्म होगा हमारे वहाँ ज़रूर मेला लगेगा, फिर मैं आप लोगों को भी मेले में लेकर जाऊँगी और पूरा मेला घुमाऊँगी। और कल मैं वीडियो नहीं डाल पाई, उसका बहुत बड़ा रीज़न है, लेकिन मैं वो अभी नहीं बताऊंगी। जब वो काम हमारा हो जाएगा तब मैं बताऊंगी। आप लोगों के लिए भी बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। अभी शाम हो चुकी है, शाम के 7 बज रहे हैं और हम मुझे खाना भी बनाना है, तो चलिए हम लोग साथ में मिलके खाना बनाते हैं। मैंने ये मूँग की दाल गला कर रख दी थी, देखिए थोड़ी गल गई है, 15 मिनट ही गलाई है, वैसे आज ज़्यादा नहीं गलाई। आज मैं इलेक्ट्रिक कुकर में दाल बना रही हूँ, ये दाल मैंने गला के रखी हुई थी और इसमें मैं डाल रही हूँ लहसुन। अभी जब से ना मेरा इलेक्ट्रिक कुकर आया है मैं उसी में दाल उबाल रही हूँ क्योंकि वो जल्दी बन जाती है उसमें। जैसे हमें नॉर्मली पकाने में ज़्यादा टाइम लगता है, 10 मिनट लग जाते हैं, लेकिन राइस कुकर में अभी 3 से 4 मिनट में मेरी दाल कुक हो जाती है, तो इसलिए मैं गैस की बचत कर रही हूँ। और इसमें हम डालेंगे मिर्ची, थोड़ी सी डालूंगी क्योंकि मुझे दाल पीना है, और हल्दी पाउडर। और स्वाद अनुसार नमक। बस इसे अब मैं राइस कुकर में रख दूंगी। बनाने वाली थी ककोड़े की सब्जी, और ये ककोड़े कुछ इस तरीके से दिखते हैं, देखिए काटने के बाद। और मैं फ़ोटो डाल दूँगी आपको इसका कि ककोड़े कैसे दिखते हैं। ये लोकल सब्जी है तो शायद बहुत से लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है ये क्या है, पर ये थोड़े थोड़े टेस्ट में करेले जैसे होते हैं, बट ये करेले जितने कड़वे नहीं होते और बहुत हेल्दी होते हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच हल्दी डाल के मिक्स कर दिया था और इसे आधा एक घंटे के लिए बस रख दिया था। हम लोग ककोड़े की सब्जी बनाते हैं, पहले कढ़ाई चढ़ा दूँ।
तो ककोड़े की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ ऑयल गरम होने रख दिया। तेल को गरम होने के बाद उसमें डालूंगी मैं आधा चम्मच जीरा और इसमें मैं डालूंगी 3 मीडियम साइज बारीक कटे हुए प्याज। थोड़ा सा बचा दूंगी दाल के लिए क्योंकि दाल को भी तड़का लगाना है। पहले हम ऑनियन को अच्छा पका लेंगे। मुझे तेल थोड़ा कम लग रहा है, मैं इसमें और डाल दूंगी क्योंकि ककोड़े में अगर तेल कम होता है ना तो स्वाद बिल्कुल अच्छा नहीं आता और वो भी करेले जैसे कड़वे लगने लगते हैं। मेरे ऑनियंस कुक हो चुके हैं, अब मैं इसमें डालूंगी आधा चम्मच हल्दी पाउडर। और स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा नमक देखकर ही डालना है क्योंकि हमने ककोड़े में भी नमक डाल के रखा था, तो जब हम बहुत देर कोई भी सब्जी को नमक डाल के रखते हैं ना तो वो एब्जॉर्ब कर लेती है थोड़ा नमक। हल्दी को पका कर अब इसमें मैं डायरेक्ट ककोड़े डाल दूंगी। ये बहुत इजी सब्जी है वैसे तो, लेकिन इतनी टेस्टी लगती है ना। जब भी आप लोगों को ककोड़े मिले ना तो एक बार लाकर जरूर ट्राई करना। अब देखिए ककोड़े की सब्जी थोड़ी गर्म हो चुकी है, अब मैंने इसे सेम फ्लेम पे कर दिया और इसे कुछ देर ढककर पकाऊंगी। मैं कभी भी ना लाल मिर्ची बहुत बाद में डालती हूँ क्योंकि मम्मी कहती है अगर शुरू में ही लाल मिर्ची डाल दो तो वो जल जाती है। और देखिए यहाँ पर कुछ पानी लग रहा है मेरी टी शर्ट में, कुछ काम कर रही थी इसलिए पानी लग गया। अब मैं अपनी ककोड़े की सब्जी को चेक कर रही थी, ये हाफ कुक हो चुकी है तो मैं इसमें रेड चिल्ली पाउडर डाल दूंगी थोड़ा सा। हम लोग बहुत ज्यादा तीखा खाते हैं तो मैं बहुत सारी रेड चिल्ली पाउडर डालूंगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हो। और मैं इसे रेड चिल्ली पाउडर को अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगी। अब इसे थोड़ी देर और पकाना पड़ेगा क्योंकि अभी ये पूरी तरह से कुक नहीं हुई है। अब मैं इसे कुछ देर के लिए और ढककर पकाऊंगी जिससे ये पूरी तरीके से कुक हो जाए। अभी इसे मैंने सिम फ्लेम पर ही रखा हुआ है और मेरी मूंग की दाल दूसरी तरफ अच्छी तरीके से कुक हो चुकी है। मैंने उसे इलेक्ट्रॉनिक कुकर में चढ़ाया था लेकिन मुझे अगेन ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ी सी ज़्यादा कुक हो गई है। जैसा हम खाते हैं ना उसके हिसाब से ये थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन चलिए नेक्स्ट टाइम मैं और कम टाइम के लिए लगाऊंगी क्योंकि मैं अभी एक्सपीरियंस ले रही हूँ। सिर्फ मुझे अभी इतना नॉलेज नहीं है क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ इलेक्ट्रॉनिक कुकर, तो इसमें से आधी दाल मैं अपने लिए रख लूँगी और आधी दाल मैं मम्मी और पापा के लिए तड़का लगा दूँगी। एक तरफ मेरी सब्जी कुक हो रही है और दूसरी तरफ मैंने दाल को तड़का लगाने के लिए कढ़ाई चढ़ा दी है। इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा तेल। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग रोज मूंग की दाल खाते हैं पर ना मैं मूंग की दाल को पीती हूँ, मतलब मैं डाइट के लिए मूंग की दाल पीती हूँ, वो बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन रहता है उसमें। तो मम्मी पापा कहते हैं कि हमें भी मूंग की दाल ही दे दो
तो मैं एक साथ सादी दाल को बॉईल करके रख लेती हूँ और उन दोनों के लिए तड़का लगा लेती हूँ और मेरे लिए सादी दाल निकाल लेती हूँ। तेल अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है, इसमें मैं थोड़ा सा जीरा डालूंगी, बिल्कुल ज़्यादा सा, बिल्कुल थोड़ा सा ऑनियन डालूंगी, हम लोग हमेशा ऑयल सोयाबीन का यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे वहाँ सोयाबीन होती है, मतलब हमारे वहाँ MP में सोयाबीन बहुत अच्छी होती है, इसलिए हम हमेशा सोयाबीन का तेल यूज़ करते हैं। मेरे ऑनियन अच्छी तरीके से कुक हो चुके हैं, मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और बिल्कुल ज़रा सा 1/4 टेबल स्पून धनिया पाउडर, जिससे दाल में थोड़ा सा स्वाद आ जाए। इसे हल्का सा चला के अब मैं इसमें दाल मिक्स कर दूंगी अपनी। ये वाली दाल बहुत टेस्टी लगती है, कभी आप पूरी या फिर पराठों के साथ फ्राई करना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और हमारे घर में तो सभी को मूंग की दाल इस तरीके से तड़का लगाई हुई बहुत ज़्यादा पसंद है। देखिए मेरी सब्जी रेडी है, हम इसे बंद कर दूंगी और अभी इसी कढ़ाई में रहने दूंगी क्योंकि ना अभी हमारा माइक्रोवेव खराब है, अदरवाइज मैं इसे किसी ब्यूटीफुल से डिश में शिफ्ट कर देती, बट राइट नाउ हमारा माइक्रोवेव खराब है तो हम लोग गर्म करने के लिए इसी का यूज़ करते हैं, कढ़ाई का यूज़ करते हैं। तो जिस वक्त पापा आते हैं ना, उसी वक्त मैं डायरेक्ट इसे सब्जियों को दाल को गर्म करती हूँ, देन सर्व करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। और जिसे भी माइक्रोवेव का बहुत ज़्यादा यूज़ करने की आदत होना, उसके साथ यही प्रॉब्लम होती है। अब सिर्फ रोटी बनाने का काम बचा है तो वो मैं फटाफट कर दूँगी क्योंकि मम्मी पापा बहुत कम रोटियाँ खाते हैं, मुझे टोटल 8 रोटी बनाना पड़ती है। वैसे तो पापा मम्मी दोनों मिलके सिर्फ 6 रोटी भी कंप्लीट पूरी ख़त्म नहीं कर पाते, पर 2 रोटी एक गाय के लिए होती है और एक डॉगी के लिए, तो इसलिए मैं टोटल 8 रोटी डालती हूँ। और थोड़ा सा ऐसा कहते हैं कि थोड़ा डब्बे में रोटी बहना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ी ज़्यादा रोटी डाल के रखती हूँ। मम्मी हमेशा कहती है थोड़ा सा ज़्यादा रोटी डालना बेटा। तो चलिए मैं अपना खाना बना लेती हूँ, रोटी बनाते हुए बार बार शेयर करूँगी तो आप बोर हो जाएंगे, तो चलिए पहले मैं रोटी बना लेती हूँ। हमारा खाना बन चुका है, मेरा खाना बन चुका है और मुझे आपके साथ कुछ शेयर करना था। मैंने अभी कुछ ऑनलाइन कपड़े ऑर्डर्स किए, मैंने ऑनलाइन अभी कुछ कपड़े ऑर्डर किए हैं, वो मैं दिखाना चाह रही थी आपको, बहुत अच्छे आए हैं। अभी मैं कंपनी का नाम आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि बहुत सारे इश्यूज रहते हैं यूट्यूब पे, इसलिए मैं सिर्फ आपके साथ वो कपड़े शेयर करूंगी कि वो कैसे आए हैं। मम्मी को फेसबुक पे सडनली दिखे थे तो मम्मी ने कहा कि मुझे वो अच्छे लगे हैं और हम लोगों ने दोनों ने एक एक ड्रेस मंगा ली उसमें से। तो चलिए मैं आपको पहले वो ड्रेसेस दिखा देती हूँ। तो मैं आप लोगों को बताने वाली थी कि हम लोगों ने कौन सी ड्रेस मंगाई है। पहली तो ये वाली ड्रेस है, मैं पूरा दिखाती हूँ आपको। देखिए ये कुछ इस तरीके से है, ऊपर ऐसा लगता है कुर्ता है, नीचे स्कर्ट लगता है, इसमें ब्लू कलर का, वैसे जैसा दिखाया था ड्रेस तो वैसे ही आया है, लेकिन थोड़ा सा कलर में डिफरेंस है और थोड़ा सा क्लॉथ जो हमने डिस्क्राइब किया था ना उससे थोड़ा सा डिफरेंट आया है, उतना अच्छा क्वालिटी नहीं है, पर हम दोनों को ये अच्छा लगा तो मम्मी ने ये वाला ड्रेस रख लिया। और इसका प्राइस क्या होगा? 13 और इसका प्राइस है 12.99 और कुछ इंक्लूडिंग डिलीवरी चार्जेस लगे थे।
एक तो ये वाला ड्रेस मंगवाया था हमने और चैलेंज सेकंड ड्रेस हमने मंगवाया था कुछ इस तरीके से है वो। एक तो ये स्कर्ट है और ये वाला तो बहुत अच्छा है, जैसा उन लोगों ने बताया था सेम वैसा की वैसा आया। ये इसकी स्कर्ट है और टॉप में आपको दिखाती और ये है उसका टॉप, बहुत ही प्यारा लगा और जैसा बताया था डिस्क्रिप्शन में सेम वैसा की वैसा ड्रेस आया है। तो ये ड्रेस कुछ इस तरीके से, ये स्कर्ट है और ये उसका टॉप है। दोनों का कलर एकदम कॉन्ट्रास्ट है बट इस पे जो डिजाइन है वो स्कर्ट के कलर की है, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था मुझे और एक इंडो वेस्टर्न लुक दे रहा था। तो मैंने ये वाला ड्रेस खुद के लिए रख लिया और ग्रीन वाला जो कुर्ता है वो मम्मी के लिए है। तो ये दोनों ही ड्रेस मुझे बहुत अच्छे आए। सडनली ना मुझे कुछ कॉपीराइट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं और जिसकी वजह से मैं गूगल एडसेंस पे ऐड देना चाह रही हूँ तो वो ऐड नहीं दे पा रही हूँ। तो इसलिए मैं जहाँ से ये ड्रेसेस मंगवाई हैं उस कंपनी का नाम आप लोगों को नहीं बता रही हूँ, अदरवाइज मैं जब मतलब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तब मैं आपको ये जहाँ से मैंने ये ड्रेस मंगवाई है उस कंपनी का नाम भी बता दूंगी। आज का वीडियो मैं इसी के साथ एंड कर रही हूँ क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी क्योंकि मैं दिन भर बाहर थी किसी रीज़न वाइज, वो चीज़ मैं आपको बाद में बताऊँगी क्योंकि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि वो चीज़ आप सभी के लिए सरप्राइज है। तो मैं आपको कल या परसों के वीडियो में वो चीज़ स्पेसिफाइड कर दूंगी कि किस रीज़न वाइज मैंने आज का वीडियो शूट नहीं किया सुबह से। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके मुझे मोटिवेट करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे आपको मेरे वीडियोज़ की रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा या सर्च नहीं करना पड़ेगा, तो वो मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा और मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और थैंक यू आप जो मेरे वीडियोज़ को देख रहे हैं क्योंकि मैं बहुत नई यूट्यूबर हूँ, अभी मुझे पूरा मंथ भी कंप्लीट नहीं हुआ है व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किए हुए, तो प्लीज़ आप मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहें और मेरा मोटिवेशन बढ़ाते रहें। थैंक यू। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।